एक्चुअली जा रहे हैं मेट्रो, लाइक मेट्रो कैश एंड कैरी, जो कि कनकपुरा रोड पे है। थोड़ा बहुत पापा के लिए ड्रेस वगैरह लेना है वो लेते हैं, और घर का ग्रोसरी आइटम लेना है थोड़ा बहुत तो वो लेके आते हैं। मौसम बड़ा बेईमान है यार, बेंगलोर में ना मौसम का कुछ बोल नहीं सकते यार। मेट्रो अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक 4-5 किलोमीटर ही पड़ता है मेट्रो अपने घर से बस। ट्रेल रूम की शॉर्टेज है यार मेट्रो में, 2 ही ट्रेल रूम है और वो भी पूरा फुल है यार। 15 मिनट से खड़ा हूँ, दिखाता हूँ आपको पीछे का वेयर हाउस। यहाँ पे ना वेयर हाउस है, यहाँ पे आइटम रखा जाता है और फिर यहाँ पे शोरूम में ट्रांसफ़र किया जाता है। साला आम आदमी की ज़िंदगी में ना तकलीफ ही तकलीफ है यार। 20 मिनट से खड़े हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहा है यार ट्रेल रूम, अब जाके मिला है यार 20 मिनट से। 1-2 ही ट्रेल रूम है एक्चुअली मेट्रो में और दोनों फुल है यार, वेटिंग लाइन लगा हुआ है। अभी ना सर्दी का सीज़न चल रहा है ना, तो जैकेट्स तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आए हुए हैं मेट्रो में, आप आके ले सकते हो, अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएंगे यार। पहले ना ये टीवी का जो था ना वहाँ तक था, लेकिन अब जैसे टीवी का ना ज़माना ही चला गया है, बहुत कम सेल होता है, तो अब ना खाली इतना ही कर दिया है, बाकी सब फ्रिज वगैरह वॉशिंग मशीन जो कि नॉर्मली रिक्वायर्ड चाहिए सबको वो कर दिया है। ये मेट्रो बेसिकली अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं है, कनकपुरा रोड मतलब यलचनहली मेट्रो स्टेशन पर आप उतरो, वहाँ से जस्ट 500 मीटर ही मेट्रो है। लेकिन आपके पास में मेट्रो का कार्ड होना ज़रूरी है अगर मेट्रो में एंट्री चाहिए तो बिजनेसमैन को ये कार्ड मिलता है मेट्रो का। एक्चुअली ये बिजनेसमैन के लिए, यहाँ से ख़रीदो आप रिटेल में बेच सकते हो, इतना डिस्काउंट में मिलता है यहाँ पे यार जो भी सामान चाहिए आपको। अब ना प्रॉब्लम का बात करो ना, तो आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत है यार। सुबह एक बाइक का इंश्योरेंस करवाने गया था, एक्चुअली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का पूछा था, 855 रुपीज़ में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आता है, लेकिन बाहर में जो शॉप वाला कर रहा है ना उसको 200 रुपीज़ लेकर अराउंड 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, बोल रहा है सर्विस चार्ज है। अब उसको कमीशन पीछे से मिल रहा है इंश्योरेंस का, पर इंश्योरेंस कमीशन मिल रहा है, फिर भी उसको अलग से सर्विस चार्ज चाहिए, बोल रहा है कि फ़ोटो खींचने का प्रोसेस करने का 300 रुपये चार्ज लगेगा। भाई लूटो यार, लेकिन ऐसे ही मत लूटो यार कि सामने वाले को पता चल जाए कि आप लूट रहे हो यार। ऑनलाइन कराओ तो 855 में पड़ता है, आप उधर से करा रहे हो तो 1150 रुपये, फिर आप बोलते हो आपका बिजनेस कम हो गया। बिजनेस कम होगा ना, आप लूटना शुरू कर दिए लोगों को। एक जैकेट देखते हैं यार, क्योंकि अपने को जाना है पुणे और वहाँ पड़ता है ठंड, तो उसके लिए देखते हैं जैकेट यार। जैकेट देखा लेकिन मिला ही नहीं कोई अच्छा वाला यार। आपको ना मेट्रो में सब आइटम मिल जाएगा यार, इलेक्ट्रिक से लेके गद्दा वगैरह लेना है, चेयर्स लेना है, ग्रॉसरी आइटम लेना है, सब कुछ मिल जाएगा यार। लेकिन आपको एंट्री के लिए कार्ड होना है मेट्रो वाला। एक्चुअली एक बिजनेसमैन को अराउंड 3 कार्ड देते हैं मेरे ख्याल से, 3 कार्ड देते हैं एक बिजनेसमैन, मतलब एक बिजनेस जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है तो उसको 3 कार्ड दिया जाता है मेट्रो में। सब कुछ मिलेगा यार, कोल्ड ड्रिंक्स, बच्चों का किताब वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। एक और चीज़, मेट्रो में बिल मिनिमम 1000 रुपये के ऊपर होना है, 1000 से कम है तो फिर बिल नहीं होगा, 1000 रुपीज़ से ऊपर का बिल चाहिए आपको। अगर बाहर निकलना है बिल करवाना है तो 1000 से ऊपर होना चाहिए। अब ना यहाँ जैसे बाहर निकलेंगे ना क्रेडिट कार्ड वाले ना पीछे पड़ जाएंगे, आप देखना। मैं बोला था ना आपको यार, ये हमेशा का है, SBI क्रेडिट कार्ड वाले यहाँ खड़े रहते हैं, जो भी कस्टमर आता है उसको बस SBI क्रेडिट कार्ड। मेट्रो में ना ट्रेल रूम की कमी है लेकिन पार्किंग की कोई कमी नहीं है, पार्किंग बहुत है, वहाँ तक फैला हुआ है पार्किंग। तो एक आधा ट्रेल रूम और ज़्यादा कर देते हैं उसमें क्या जाता यार, पार्किंग थोड़ा सा कम हो जाता। बारिश हो गई उसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है, पिछले 2-3 दिन से मौसम ही ऐसा ही हो गया है पूरा। कैसा है, कैसा लग रहा
क्या खा रहा है लक्षु? क्या खा रहा है तू? क्या खा रहा है? कुरकुरे खा रहा है, मेरे को खिला। सामान लाना इजी है लेकिन नीचे से ऊपर लाना मुश्किल है। क्या अर्जु? देखो यार हर्षु तो फुल पैक हो गया। तो अच्छा हुआ यार बारिश हुआ ना, गाड़ी एकदम साफ हो गया यार। क्योंकि खुले में छोड़ा था, पार्किंग जहाँ पे सेट था ना वहाँ पे नहीं छोड़ा था मैं, खुले में छोड़ा था, तो गाड़ी साफ हो गया ऑटोमेटिक। ये ऑटो सिस्टम है यार, बारिश आओ गाड़ी साफ करो ऑटोमेटिकली। चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप। आगे के ब्लॉग्स के लिए रेडी रहिए पुणे के लिए, क्योंकि पुणे महाराष्ट्र से आगे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो वहाँ पे रेडी रहिए। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।